गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्टर हीट ट्रांसफर एरिया कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि केमिकल रिएक्टर्स में जो जैकेट होती है, बेसिकली उसके ऊपर जो जैकेट है उसका हीट ट्रांसफर एरिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है दैट व्हाई जैकेट इज प्रोवाइडेड इन रिएक्टर, कि फ्रेंड्स किसी भी केमिकल रिएक्टर में बेसिकली जैकेट दी क्यों जाती है। फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं रिएक्टर्स के अंदर, बेसिकली वो हम बनाते हैं केमिकल्स को ऐड करके, दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी दो प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि आइदर वो रिएक्शंस हमारी एक्सोथर्मिक होती हैं या फिर वो रिएक्शंस हमारी एंडोथर्मिक होती हैं, या फिर फ्रेंड्स वो रिएक्शन कराने के लिए हमें आइदर हायर टेम्परेचर्स पे जाना पड़ता है या फिर लोअर टेम्परेचर्स पे जाना पड़ता है। मीन्स ऐसा तो है नहीं कि हमारी हर एक रिएक्शन जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हो। सो फ्रेंड्स, उन टेम्परेचर कंडीशंस को बेसिकली मेंटेन करने के लिए हमें आइदर हमारे जो भी मीन्स रॉ मटेरियल्स का मिक्सचर है, आइदर हमें उसे हीट करना पड़ेगा या फिर हमें उसे कूल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे जो भी मीन्स प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमें बेसिकली आइदर हीटिंग या फिर कूलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हर एक रिएक्टर में टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जैकेट दी जाती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टर में जैकेट का रोल क्या है। सो फ्रेंड्स, जैकेट के थ्रू बेसिकली हम डिफरेंट तरीके की यूटिलिटीज डालते हैं। जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने मतलब किस किस तरीके से, उसमें मैंने वेरियस यूटिलिटीज के बारे में बताया, जिसमें हॉट वाटर, चिल्ड वाटर, हॉट ऑयल और बाकी तरीके की यूटिलिटीज की बात की है कि किस तरीके से उन यूटिलिटीज को हेल्प करते हुए हम केमिकल रिएक्टर्स में जो भी हमें रिएक्शन करवानी है उसके प्रोसेस पैरामीटर्स को अपने हिसाब से मीट करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो आपका द परफॉर्मेंस जो होता है बेसिकली इन जैकेट्स का, ये बेसिकली तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पहला, रिस्पॉन्स टाइम कितना ले रहा है, आपका जो फ्लूइड उसमें फ्लो कर रहा है वो कितना रिस्पॉन्स टाइम लग रहा है जैकेट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, को मॉडिफाई करने के लिए। सेकेंड वन, जो जैकेट में आपका टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है। एंड द थर्ड वन, जो आपके जैकेट का टेम्परेचर है वो कितना स्टेबल है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, तीन बेसिकली मेन कैरेक्टर्स रहते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी जैकेट जो है वो कितनी एफिशिएंट है। फर्स्ट वन इज आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना लग रहा है जैकेट के टेम्परेचर को मॉडिफाई करने के लिए। सेकेंड, कितनी यूनिफॉर्मिटी है आपके जैकेट के टेम्परेचर में। एंड थर्ड वन इज आपके जो जैकेट का टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। सो फ्रेंड्स, होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टर में जैकेट की जरूरत क्या होती है और कौन कौन से तीन पैरामीटर्स हैं बेसिकली जो किसी भी जैकेट के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लेंथ और डायमीटर बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं बताता हूं। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे को दी गई है कि एक रिएक्टर है जिसका वॉल्यूम है 3 KL, मेरे को इसका इफेक्टिव जैकेट का एरिया कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थंब रूल बताता हूं, L by D means length to diameter। ये जो रिएक्टर है इसमें बेसिकली ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपका डायमीटर हो गया। सो फ्रेंड्स, L by D का जो रेशियो है वो 1.2 से 1.6 के बीच में कंसीडर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारी कैलकुलेशन के लिए मैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूं, L by D 1.5। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे को इतना पता है कि मेरे जो रिएक्टर है उसका वॉल्यूम बेसिकली 3 KL है। सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज बेसिकली, अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को तो देखिए इसमें एक सिलिंड्रिकल सेक्शन है और ऊपर और नीचे टॉरिस्फेरिकल डिस्क्स हैं। सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ये देखिए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम प्लस टॉरिस्फेरिकल डिस्क जो ऊपर और नीचे ये टॉरिस्फेरिकल डिस्क्स हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप सबको पता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने वैल्यू पुट अप किया पाई 3.14 आर स्क्वायर, आर होता है बेसिकली डी बाई टू, तो इसलिए मैंने डी बाई टू इंटू डी बाई टू रखा है इंटू एच। एच यहां पे फ्रेंड्स एच हो जाएगा बेसिकली मेरे केस में लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो है मेरा 1.5 डी जो मैंने आपको ऊपर इस इक्वेशन में समझाया है।
सो फ्रेंड्स ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम मैंने पुटअप कर दिया। नाउ फ्रेंड्स अगर स्फेरिकल वॉल्यूम की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला होता है मेरा पाई बाई 24 डी क्यूब, पाई 3.14 अपॉन 24 इंटू डी क्यूब, तो डी इंटू डी इंटू डी। सो फ्रेंड्स जब मैं इस इक्वेशन को आगे इक्वेट करता हूं तो बेसिकली यहां से मेरे को डायमीटर की वैल्यू मिलती है 1.32 मीटर। सो फ्रेंड्स ऊपर मेरे को ये पता है कि मैंने यहां पर रिलेशनशिप लगाया है एल बाई डी इज इक्वल टू 1.5। सो फ्रेंड्स यहां से बेसिकली मैं एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.32, दैट इज इक्वल टू 1.98 मीटर। सो फ्रेंड्स इस दी हुई प्रॉब्लम में बेसिकली मेरे को अब लेंथ भी पता चल गई है और डायमीटर, वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ था तो मैंने यहां से दोनों की दोनों चीजें पता कर ली है। सो फ्रेंड्स होप आपको लेंथ और डायमीटर की कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपका पूरे रिएक्टर का। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये है आपका सिलेंड्रिकल सेक्शन और ऊपर नीचे है टोरी स्फेरिकल डिस्क। सो फ्रेंड्स ये जो सिलेंड्रिकल सेक्शन है, आप मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल सेक्शन को मैं बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो ये सिलेंड्रिकल सेक्शन बेसिकली जब आप उसको बीच से काट के ओपन करेंगे तो बेसिकली ये इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसका जो लेंथ है वो यहां पे उसकी लेंथ आ जाएगी एल, एल है आपका 1.98 मीटर, और जो उसकी ब्रेथ आएगी वो बेसिकली इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा बिकॉज आपने इसको बीच से डिवाइड करके पूरा खोल दिया है। सो फ्रेंड्स ब्रेथ आपको मिलेगी 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। सो फ्रेंड्स अगर मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है इस रेक्टेंगल का तो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर यही सेम होगा मेरा एरिया ऑफ सिलेंडर 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इंटू लेंथ। सो फ्रेंड्स 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस मैं पहले निकाल चुका हूं 1.32 डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ 1.98। सो फ्रेंड्स यहां से मैं इजिली एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज कमिंग एज 8.2 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स होप इस स्लाइड से आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि किस तरीके से मेरे को सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, आप अच्छे से समझिएगा, उसको जब आप बीच से काट देते हैं, काट के जब आप उसको ओपन करेंगे तो बेसिकली वो आपको मिलेगा एक रेक्टेंगल जैसा कि मैंने यहां डायग्राम में दिखाया है, और जो फ्रेंड्स उस रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो बेसिकली आपके सिलेंडर के लेंथ के बराबर है, और जो उसकी ब्रेथ होगी वो पूरी ब्रेथ होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होता है आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स वहां से मेरे को मिलेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो वैल्यूज मेरे को मिल रही है 8.2 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टोरिस्फेरिकल सेक्शन है इस रिएक्टर का, उसका एरिया बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स टोरिस्फेरिकल डिस्क का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है पाई बाई 4 इंटू 1.47 इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसमें जस्ट मैंने वैल्यूज पुटअप किया 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.47 इंटू 1.32 डायमीटर, जो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ होल टू द पावर 2। सो फ्रेंड्स ये एरिया मेरी कैलकुलेट होकर आती है 1.79 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स अगर मेरे को अब ओवरऑल जैकेट की एरिया कैलकुलेट करना है तो फ्रेंड्स ओवरऑल सिलेंड्रिकल सेक्शन की एरिया प्लस ओवरऑल टोरिस्फेरिकल डिस्क की एरिया, इन दोनों एरियाज को जब फ्रेंड्स मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को यहां से बेसिकली ओवरऑल एरिया इजिली कैलकुलेट होके मिल जाएगी कि वो मेरे को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स ओवरऑल एरिया जो मेरी कैलकुलेट आएगी वो आएगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की एरिया प्लस टोरिस्फेरिकल पोर्शन की एरिया। सिलेंड्रिकल पोर्शन की एरिया मैं लास्ट टाइम में निकाल चुका हूं 8.2 एंड टोरिस्फेरिकल सेक्शन की मैंने यहां पे निकाली है 1.79। तो फ्रेंड्स जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बेसिकली ये एरिया आएगी मेरी 1.99 या फिर आप बोल सकते हैं 10 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इस एग्जांपल से बेसिकली मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से ये बताया है कि अगर आपको जैकेट का एरिया कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स होप आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, टोरिस्फेरिकल डिस्क का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 इंटू 1.17 इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इस डायग्राम में पाई बाई 4 3.14 बाई 4 इंटू 1.47 इंटू डायमीटर मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं 1.32 का होल स्क्वायर।
वो वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो आ रहा है 1.79 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट द ओवरऑल जैकेट एरिया इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल एरिया प्लस टॉलिस्फेरिकल पोर्सन का एरिया। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 8.2 प्लस 1.79, दैट गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 9.9 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये चीज कंफर्म करूंगा कि मरकरी, जो आप सबने सुना होगा कि मरकरी काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो फ्रेंड्स, मरकरी की बेसिकली ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम उसको अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, कल बेसिकली मैं आपको मरकरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी बताऊंगा, जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।